वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आ चुका हूँ मैं अपने होम टाउन जबलपुर में गाइस, क्योंकि होने वाले हैं मेरे जनेऊ और इसमें मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं घाट पे और इसका नाम है गौरी घाट, जो बहुत ही फेमस है जबलपुर में। और यहाँ पे घूमने के लिए बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। यहाँ पे मेरे जनेऊ होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे जनेऊ की पूरी पूजा होगी, जो आपको मैं दिखाऊंगा। और सामने आप देख रहे हैं जो गुरुद्वारा है, और घाट पे बहुत सारी नाव हैं जिसमें आप घूम सकते हैं। आपको ये घाट घुमाती हैं, गुरुद्वारे तक भी आपको नाव ही ले जाती है। तो यहीं पे होने वाली है गाइस जनेऊ की पूजा, और यहाँ से आप पूरा घाट का व्यू भी देख सकते हैं। और ये एक मंदिर है जहाँ पे पूजा होने वाली है, और ये सारा सामान है जनेऊ के लिए जो लगने वाला है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ मंदिर पूरा कि कैसा है ये मंदिर। और यहीं से आपको मैं सीधा दिखा रहा हूँ घाट का व्यू। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो है जहाँ से आपको घाट और गुरुद्वारा दोनों ही दिख जाते हैं, और ये है पूरा मंदिर। तो अब ब्राह्मण आ चुके हैं और मुझे जनेऊ के लिए रेडी कर रहे हैं। जनेऊ में आपको एकदम दुल्हे की तरह ही रेडी किया जाता है, और ये हमारे कल्चर में है। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि किस तरीके से मुझे रेडी किया जाता है। तो गाइस जनेऊ को आधी शादी भी कहा जाता है हमारे में, मतलब आपको पहले जनेऊ पहनना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं या किसी को भी अग्नि दे सकते हैं। उसके पहले आप ये सब नहीं कर सकते हैं। तो जनेऊ पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और जो आप ब्राह्मण देख रहे हैं जो मुझे जनेऊ पहना रहे हैं, जो मुझे रेडी कर रहे हैं, उन्होंने मेरे पापा को भी जनेऊ पहनाए थे। तो ये ही ब्राह्मण हमारे फैमिली में है जो शादी भी करवाते हैं, और हमारे फैमिली ब्राह्मण जैसे हैं तो हम लोगों को अच्छे से ये जानते भी हैं। और अब ज़माना तो बहुत मॉडर्न भी हो चुका है, क्योंकि मैंने सुना है कि पहले आपको घाट पे ही नहाना पड़ता था, उसमें टॉवल में ही आपकी पूरी पूजा होती थी, उसके बाद जाके अब नए कपड़े पहनते थे। बट अब इतना मॉडर्न हो चुका है कि हमको ब्राह्मण ने ही बोला कि आप घर से ही रेडी होके आ सकते हैं और बाकी सब जो भी पूजा होगी वो यहाँ पर हो जाएगी। तो अब चेंजेस बहुत हो चुके हैं, पहले के ज़माने में कुछ और था, अब कुछ और है। तो हो चुका हूँ मैं पूरी तरीके से तैयार जनेऊ के लिए, ब्राह्मण ने मुझे रेडी कर दिया है। तो यहाँ हो रही थी पूजा की पूरी तैयारी, और ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके थे और ब्राह्मण मंत्र शुरू करने वाले हैं अब थोड़ी ही देर में। तो आप मेरे लेफ्ट साइड में जिनको देख रहे हैं वो है मेरी मॉम, और उनको मेरे साथ इस पूजा में बैठना था। तो ब्राह्मण जैसा जैसा बोलते जाएंगे, ब्राह्मण मतलब हमारे में पंडित को ब्राह्मण बोला जाता है, तो वैसा वैसा मेरी मॉम करते जाएंगे। अभी पूजा स्टार्ट हो रही है। तो हमारे में लड़के की जब शादी होती है तो उसकी भी ऐसे ही कंघी निकाली जाती है और चोटी बनाई जाती है, वैसे ही जनेऊ में भी होता है। सब में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हम में इस तरीके से पूजा होती है, और ये पूजा होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ।
और आँखों में सुरमा लगाया जाता है। और मैं अपनी मॉम से कह रहा था कि मुझे सुरमा मत लगाइएगा, सिर्फ टच कीजिएगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और वैसे तो बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है जनेऊ की रस्म जो होती है। काफ़ी लोगों के कस्टम में होता है कि बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से किया जाता है, बैंड बाजा शोर शराबा सब। लेकिन हमारे कस्टम में क्या होता है, हमारे कस्टम में बोल सकता हूँ मैं चोरी छुपे किया जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हमारे में जो बाद में बताई जाती है, बाद में बधाइयाँ दी जाती हैं इस चीज़ की, उससे पहले आपको चीज़ छुपानी होती है। तो ऐसा हमारे में रिवाज है, इसीलिए पहले शोर शराबे के साथ नहीं किया जाता, और जब हो जाता है उसके बाद पार्टी की जाती है, पार्टियां होती हैं, बहुत कुछ होता है। ये जो देख रहे हैं आप, मेरी मॉम मुझे लगा रही है, उसे देसी घी बोलते हैं, और देसी घी से मेरे लिप्स पे और मेरे गले पे, नेक पे, सब जगह टच करने के लिए ब्राह्मण ने कहा था। ये सारी रस्में हैं जो जनेऊ में होती हैं, और पूजा शुरू होने से पहले ये होती है सारी की सारी रस्में। और बहुत ही ज़्यादा मक्खी मच्छर थे वहाँ पे गाइस, और उस टाइम बहुत गर्मी थी। ये वीडियो मैं लेट डाल रहा हूँ, जब बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब का वीडियो है ये। आपको जो मेरे मॉम के पीछे बैठे हुए दिख रहे हैं वो मेरे डैड हैं, और अभी जो रस्म चल रही है उसमें मैं पापा और मम्मी को राइस दे रहा हूँ, मतलब चावल दे रहा हूँ जो हमें पूजा के टाइम पे अग्नि में डालने हैं। रक्षतां वायुरभ्ये स्वस्तये स्वस्ति नेन्द्रो वृषभा स्वस्ति न कोपां विषवेदाः स्वस्ति न स्कारक्षो हरिश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः ॐ प्रकृष्वां भरतः प्रसन्निवासन देवां भजनां पात्रजातः नित्यं वः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षः त्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौखरे शान्ति ब्रह्म शान्तिविष्णुः शान्ति महेश्वरादेकः शान्तिः सर्वं शान्तिः सशान्तिर्भवतुः ॐ यतोः यतः समीहेतदो न अभयं कुरुः शन्नः कुरु प्रजाभ्यम् अभयम् अष्टस्य पुष्पस्य प्रतिगृहतामाय नमस्ते अक्षतामः समर्पयामि नमोस्ते प्रतिगृहतामस्तमस्ते अक्षताय पुष्पस्य प्रतिगृहतामाय नमस्ते तो चार अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं जो हमें चारों साइड रखने होते हैं गाइस। सुख शांति संपन्न थन सके दीर्घायु नया भंडारा भरपूर थे तो हाँ बारम्बार मनुष्य सदगुरु महाराज की तृतीय स्थान थे नमन ग्रह जो मन में ध्यान क्यों निवेदन क्यों अच्छी कर नवग्रह जय स्थान के बैठा है इतने पान नवग्रह साक्षात जी आगे बैठा है और नवग्रह जी ही ग्रह विचरण सा आकाश मंडल में वो नवग्रह जी के स्थापित स्थापित है जमला जमला हो पे चार बटन ना पाया तो हो चुकी है जनेऊ की पूरी पूजा, और इसके बाद हमें भिक्षा मांगनी होती है। ये भी एक इसी में रिचुअल है जो पूजा में ही होता है, और ये सारे पैसे कलेक्ट करके हमें ब्राह्मण को देने होते हैं। इतना एम्बैरेसमेंट हो रहा था, बट फिर भी काफ़ी सारा अमाउंट मैंने जमा कर लिया था, और उसके बाद वो सब ब्राह्मण को दे दिया जाता है। तो अब होगा, तो ये जो धागा मुझे पहना रहे हैं वही जनेऊ है गाइस जो आप देख रहे हैं येलो कलर का। इसके बाद अब मुझे हवन में बैठना है, पूजा हो चुकी है पूरी, अब हवन चालू हो रहा है। ये देख लो, ये दो उंगली और अंगूठा। ओम नदी अंतः
तो ब्राह्मण यहाँ मुझे बता रहे थे कि हवन में किस तरीके से चावल डालने हैं, तो वही मैं उनसे देख के सीख रहा था। और आपको अपने हाथ में ये चनेयों का धागा भी रखना है, वो भी आप निकाल नहीं सकते, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, बट हो रहा था। तो हवन होने के बाद सब आपको लिफाफे देते हैं जैसे शादी में दिए जाते हैं वैसे ही। तो फाइनली गाइस हो चुके हैं जनेऊ ख़त्म और पूजा हो चुकी है पूरी। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों को ये सब देखने में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।